जो है वो कुलदीप वत्स हमारे साथ है। वत्स साहब, क्या तय हुआ है, आखिर क्या फैसला किया गया? देखिए, जिस प्रकार से आज झूठ के ऊपर झूठ बोली जा रही है, सुबह ये मैसेज मिला कि गवर्नर साहब बीमार है और आज पुलिस प्रशासन ने कहा कि गवर्नर साहब बाहर। अरे इस देश को आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं थी, जिस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अरे इतनी झूठ, मतलब चार बार एक पक्ष और विपक्ष के गवर्नर साहब दोनों के होते हैं, पर आज ये साबित हो गया कि या ना गवर्नर साहब का कोई और है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दो आदमी अमित शाह और मोदी की चलती है, जो आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। किसान की लड़ाई नहीं है ये मिडल मैन की लड़ाई है, ये उस प्रत्येक गरीब व्यक्ति की लड़ाई है जो आज उसके लिए हम गवर्नर साहब से मिलने के लिए आए थे। पर गवर्नर साहब ने जिस प्रकार का जो आज हमारे साथ एक अपमान किया, गवर्नर साहब के लिए शोभा नहीं देता है, और इसमें हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि गवर्नर साहब के लिए ये बातें अच्छी नहीं, क्योंकि वो पक्ष और विपक्ष दोनों के होते हैं। ये देखिए, कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ थे, ये कह रहे हैं कि हरियाणा के राजभवन से लगातार ऐसा मैसेज मिला कि राज्यपाल बीमार है, उनका स्वास्थ्य खराब है, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो राजभवन मौजूद ही नहीं है। तो इस तरीके से स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया गया, और साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने अब राज्यपाल के नाम ज्ञापन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा है, और वो ज्ञापन उनको हरियाणा के राज्यपाल को दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। और उस ज्ञापन के ऊपर ये लिखा हुआ था विषय में कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, यानी जो कांग्रेस की पहले से ही मांग थी उसी मांग को लेकर ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम कांग्रेस के विधायकों ने दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस ज्ञापन की कॉपी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को दी है, और राज्यपाल को वो ज्ञापन भेजे जाने का आश्वासन, उन तक पहुंचाए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद यहाँ बैरिकेडिंग से चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जो है और जो कर्मचारी है वो हट चुके हैं, और अब साथ ही दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी यहाँ से वापस निकल चुके हैं, और भारी जो एक तरह से बारिश जो है उसके बीच में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चलता रहा। लेकिन राज्यपाल के नाम जब ज्ञापन चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को दिया गया, उसके बाद जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने वो ज्ञापन को रिसीव किया, राज्यपाल को देने का आश्वासन दिया, उसके बाद यहाँ से कांग्रेस के विधायक वापस निकल चुके हैं। जी बिल्कुल पवन, दो बार ज्ञापन सौंपा जा सकता है, जा चुका है, तस्वीरें भी हमने लगातार देखी है। कुलदीप वत्स से आपने बात की, इससे पहले गीता भुक्कल से भी आपने बातचीत की, एक ही बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि बीजेपी को समय देने के लिए समय है, लेकिन हमारे लिए समय नहीं है, चार बार समय मांगा गया है, समय नहीं मिल पाया है, आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायक जो है वो करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए हरियाणा राजभवन के साथ यूटी गेस्ट हाउस जो चंडीगढ़ है वहां जो बैरिकेडिंग है वहां तक पहुंचे थे। यहां पर काफी देर तक पुलिस के साथ कांग्रेस के विधायकों की बातचीत हुई, कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि वो राजभवन जाना चाहते हैं लेकिन राजभवन जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन भेजा गया कि कांग्रेस के विधायक मिलना चाहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ज्ञापन जो है वो दिया गया, और ज्ञापन देकर ही कांग्रेस के विधायकों को संतुष्ट होना पड़ा। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने ज्ञापन को रिसीव किया है और हरियाणा राजभवन में उसको दिए जाने का आश्वासन दिया है, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने अपना विरोध प्रदर्शन यहां से खत्म कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं अब यहां पर एक तरह से खाली तस्वीरें जो है वो आप कांग्रेस के विधायकों की जाते हुए की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, और यहां पर विरोध प्रदर्शन जो था वहां से कांग्रेस के विधायक अब हट चुके हैं। ये तस्वीरें जो है वो यूटी गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं।